हरे कृष्ण गीता गौर ब्रह्मानंद हरे हरे कृष्ण और इसको उसमें एड कर दिया। हो गया बैठ जा हरे कृष्ण। हाँ इसलिए श्री गुरुदेव कहते हैं उनने क्यों बोले अभी तक तुम रहो, अभी तक तुम क्या करो पिता माता की सेवा करते रहो क्यों बोले। इसका दो कारण हैं। पहला कारण है पिता माता वैष्णव है, इनकी सेवा से भक्ति मिलेगी हैं, ये कृष्ण विमुख नहीं भगवत विमुख नहीं, इसलिए ये एक कारण है। दूसरा कारण है महाप्रभु की ये इच्छा थी हैं, ये रामानुज संप्रदाय में जो वैद्य भक्ति को इन लोग एकदम स्ट्रिक्ट रूप में पालन करते हैं, इसलिए भगवत भक्ति करने के लिए हमें भी क्या करनी चाहिए, जो वैद्य मार्ग हो जो शास्त्र का जो रूल रेगुलेशन हमें पालना करनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई सदाचार नहीं कोई रूल रेगुलेशन नहीं अपना भ्रष्टाचार रूप में हम जैसे तैसे उल्टा पुल्टा करते रहे, बोले हम तो भक्ति कर रहे हैं, बोले नहीं फिर वो हो जाता है वो भ्रष्टाचार हो जाता है, वो शुद्ध भक्ति नहीं उसको कहलाते हैं। इसलिए अब कथा सुन लो 10 मिनट कथा सुन लो भर जाएगी। इसलिए वो महाप्रभु ये चाह रहे थे हमारी संप्रदाय में भी जैसे श्री रामानुज संप्रदाय में जैसे निष्ठा नियम पूर्वक जैसे ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं, हमारी संप्रदाय में भी ऐसे कुछ ग्रंथ बने जो कि हमारे संप्रदाय की जो नियम निष्ठा को जैसे सही सही रूप में कोई पालन करे। इसलिए बाद में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो सत्क्रिया सार दीपिका, अब लोगों ने ग्रंथ का नाम सुने होंगे, वो सत्क्रिया सार दीपिका उन्होंने ये ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया है। और ये सत्क्रिया सार दीपिका ग्रंथ में जैसे बच्चों का नामकरण कैसे करनी चाहिए, इनकी जो हमारी 10 तरह का संस्कार है, गर्भ संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, चुड़ाकरण संस्कार, ब्रह्मचर्य संस्कार, हाँ संस्कार, सन्यास संस्कार, 10 तरह का संस्कार, अंतिम में जो शरीर छोड़ते हैं वो संस्कार, और कैसे जब हम दीक्षा मंत्र लेते हैं वो जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ कैसे होनी चाहिए, दीक्षा मंत्र की यज्ञ कैसे करनी चाहिए, पितृपुरुषों को उद्देश्य में जो प्रसाद को अर्पण करते हैं वो प्रसाद मुखी स्वरूप में हमें देनी चाहिए हैं। इसलिए श्री ये सत्क्रिया सार दीपिका ग्रंथ में ये संन्यास लेते समय किस रूप में मंत्र को द्वारा संन्यास ग्रहण की जाती है, उसी समय में यज्ञ कैसे होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये सत्क्रिया सार दीपिका ग्रंथ को उन्होंने रचना की है। और जो आप लोग सुने होंगे एक हरि भक्ति विलास ग्रंथ है हाँ? जिसको श्री सनातन गोस्वामी ने जिस ग्रंथों को रचना की है हाँ? सनातन गोस्वामी ने रचना की, लेकिन उन्होंने रचना करके उन्होंने किया कि उसका जो संपादक है ना कहते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हाँ? ये गोपाल भट्ट गोस्वामी। और आप लोग सुने होंगे श्री जीव गोस्वामी जी का वहाँ क्या कर रहे हो गया, इसलिए कहते श्री जीव जो गोस्वामी हैं कहते जो षट संदर्भ नाम सुने होंगे, षट संदर्भ नाम सुने होंगे हैं, ये षट संदर्भ हमारी संप्रदाय में एक अनमोल ग्रंथ है जिसको श्री जीव गोस्वामी ने रचना की है हाँ बाद में, जिसमें 3 तत्वों को जहाँ पर बताया गया, बोले एक संबंध तत्व है, एक अभिधेय तत्व है और एक प्रयोजन तत्व है, उसमें ये 3 तत्वों को वहाँ पर निरूपण की गई, वो अद्भुत हमारे संप्रदाय में ये अद्भुत ग्रंथ है। लेकिन इसका जो कारिका सूत्र किसने लिखे हैं कहते ये सूत्र कारिका को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ही, ये ग्रंथों को कारिका को इन्होंने ही लिखे, लिख करके श्री जीव गोस्वामी को प्रदान की, और श्री जीव गोस्वामी ने ये 60 संदर्भ ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए श्री महाप्रभु को इच्छा थी कि जो हरि भक्ति जो विलास ग्रंथ है उसमें सारे विधि विधान बताया गया, एकादशी कब होनी चाहिए हैं, द्वादशी कब पालन करनी चाहिए, कृष्ण का जन्माष्टमी, राम नवमी,
नरसिंह चतुर्दशी को हम कैसे पालन करनी चाहिए हमें, और जितने सारे विधि विधान हैं, कहते ये हरिभक्ति विलास ग्रंथ में, कहते इसका जो एडिटर है कहते कौन है, कहते संपादक कहते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इसकी। इसलिए इन्होंने, इसलिए महाप्रभु की इच्छा थी हमारी संप्रदाय में भी रामानुज संप्रदाय जैसे ऐसे कुछ विधि विधान का कोई ग्रंथ होनी चाहिए। अगर ये रहेगा तो संस्कृत पढ़ेगा, उस समय तक एक भाषा संस्कृत था, संस्कृत पढ़ेगा और इनके सारे विधि विधान को सही सही रूप में समझेगा, फिर जब ये बड़े होकर के आएगा फिर क्या करेगा, हमारी संप्रदाय में भी उन्होंने अद्भुत ग्रंथों को रचना करेगा, है अद्भुत ग्रंथ। इसलिए श्रीमन महाप्रभु बोले जब तक तुम्हारी पिता माता नहीं चले जाते तब तक तुम पिता माता की सेवा करते रहो और यहीं पर रहो, उसको बाद में फिर तुम चले आना। जब उनको पिता माता चले गए, जब चले गए अभी उन्होंने महाप्रभु के पास में, महाप्रभु के पास में आए, जब महाप्रभु के पास में आए तब उन्होंने गंडू की नदी को होते हुए आए। आप सुने हैं गंडू की नदी का नाम नेपाल में, और वहाँ पर जितने सालग्राम है ना, वो सालग्राम शिला उसी गंडी की नदी से ही मिलता है। जब उन्होंने उधर से दिया आए, उन्होंने कहते 1200 सालग्राम को गंडू की नदी से ही लेकर के आए। और वो सालग्राम को कैसे रखते थे, जैसे माला झोली है ना, जैसे माला झोली हम जैसे गले में लटका कर रखते थे, एक झोली में उन्होंने सालग्राम को उन्होंने एक झोली में रख करके अपना गले है, अपना गले को लटका करके हृदय में रखते थे, और उसमें एक सालग्राम, हर सालग्राम नारायणी नहीं होते, उसमें सब चिन्ह होता है, कोई सालग्राम नारायण है, कोई सालग्राम नरसिंह, देखना कोई कोई सालग्राम में एकदम नरसिंह रूप जैसे आता है, एकदम नरसिंह भगवान जैसे, कोई सालग्राम नारायण राम भी है, कोई सालग्राम राधा रमण भी है, कोई सालग्राम हैं कृष्ण है, हैं अलग अलग अलग, कोई सालग्राम चैतन्य महाप्रभु, कोई सालग्राम श्री नित्यानंद प्रभु हैं। इसलिए अब इसका पहचान होता है कौन सा सालग्राम क्या है, इसकी पहचान अलग अलग पहचान है। इसलिए उन्होंने 1200 सालग्राम को लेकर कहाँ पर आए, श्री वृंदावन में, उस वृंदावन में आए। जब वो वृंदावन में आए, अभी श्रीमन महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी बोले तो बोले देखो कुछ दिन बाद में एक गोपाल भट्ट नाम का एक बच्चा आएगा, अपना भैया जैसे उसको प्रेम देकर उसको अपना पास में रखना। इसलिए जब इन्होंने आए बोला तब उन्होंने अपना हाँ भैया जैसे उनको प्यार दे करके, छोटे भैया जैसे प्यार दे करके उन्होंने अपना पास में उन्होंने रखे। अभी ये खबर महाप्रभु के पास में पहुंचा, महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए, तो महाप्रभु ने उनके लिए 2-3 चीज भेजा था जगन्नाथपुरी से। क्या क्या भेजे थे, हाँ एक कौपिनी था, और एक उनका वस्त्र था, और था एक पीढ़ी, पीढ़ी जान समझती नहीं थी, एक पीढ़ी थी हाँ तकत जैसे हैं। ये उन्होंने 2-3 चीज उन्होंने प्रसाद रूप में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में भेजे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ये चीज को पा करके, क्योंकि भगवान अप्राकृत है सच्चिदानंद रूपा है, कहते उनका जो वस्त्र है, उनका जो व्यवहार की वस्तु भी भगवत अभिन्न है, साक्षात नित्यानंद प्रभु। कृष्ण का शरीर में जितने वस्त्र वो कौन है, श्री नित्यानंद प्रभु ही ये वस्त्र रूप धारण किए, अलंकार जन्य वो पादुका हैं, और महाप्रभु का शरीर में जितने वस्त्र है ये अभिन्न, महाप्रभु से अभिन्न है। इसलिए उन्होंने ये चीज को पा करके उन्होंने साक्षात जैसे श्री महाप्रभु से मिलन इनके साथ में हुई है, मिलन हुई। अभी क्या हुआ, श्रीमन महाप्रभु कुछ दिन बाद में महाप्रभु अपना अंतर ध्यान लीला करने, जब अंतर ध्यान जगत से चले गए, चले जाने पर अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े दुखी हो गए, महाप्रभु का विरह भी बड़ी दुखी हो गई हैं, अत्यंत दुखी होकर के दिन रात महाप्रभु का विरह में रोते रहते, बिलखते रहते हैं। इसलिए दो घटना आती हैं, दो कारण आती हैं, ये
राधा रमण कैसे प्रकट हुए, इसकी एक कथा आती है। अभी जो सालग्राम के अंदर में एक भी कृष्ण का भी एक स्वरूप था। अभी कुछ कोई सेठ आया मंदिर, मंदिर में कुछ कपड़ा लत्ता देकर गया, गहना देकर गया, बोले इसको झूला में ठाकुर को धारण कराना। अभी गोपाल भट्ट सोच रहा है मेरे पास में ठाकुर नहीं, मेरे पास उनका सालग्राम है, तब इनको हम झुलाएंगे कैसे? अगर मेरे पास में ठाकुर होता तो हम उनको भी झूला में झुलाते। जब इनकी भावना को समझते हुए उनने सवेरे आकर के देखा वो जो सालग्राम है ये राधा रमण कैसे प्रकट हुए। दूसरा कारण कहते हैं जैसे जब वो अत्यंत विरह में व्याकुल हो गए, महाप्रभु का विरह में व्याकुल, क्यों महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए, केवल उनके घर में चार महीना महाप्रभु के जब अंतर ध्यान विरह हो गए, अभी विरह से इतने में जो सालग्राम था वो स्वयं सालग्राम ही स्वयं साक्षात श्री राधा रमण रूप में प्रकट हो गए। इसलिए इनका नाम सब गोस्वामी लोग ने आए देखने के लिए इनका नाम क्या रखा, राधा रमण। राधा रमण क्यों नाम रखे, क्योंकि महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण दोनों मिलकर के महाप्रभु। राधा रमण मतलब जो राधा को साथ में रमण करते विहार करते, मतलब जब वो श्री राधा रमण को दर्शन करते थे श्री महाप्रभु का दर्शन उनको होता था, महाप्रभु का रूप का दर्शन होता था। ये दूसरा कारण। मतलब तीसरा कारण बताते हैं कहते श्री रूप गोस्वामी ने इन्हीं के लिए उन्होंने बंगाल से कोई पत्थर लाए थे, वो पत्थर से उन्होंने श्री राधा रमण को बना करके दिया। इसलिए उसमें दो तीन कारण सुनने को मिलता है, अलग 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 कथा सुनने को मिलता है, लेकिन जो मुख्य रूप में है वो सालग्राम ही राधा रमण रूप में प्रकट हुए। क्योंकि अभी भी राधा रमण को पीछे देखोगे सालग्राम सालग्राम है। इसलिए थे सब गोस्वामी लोगों ने इनका नाम श्री राधा रमण इनका नाम रखा। बोले श्री राधा रमण लाल की, बोले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, बोले श्री अनंत मंजरी की, बोले श्री गुणा मंजरी की, इत्यादि गौर ब्रह्मानंद हरि हरि को। अभी गुरु जी को पूजा करें।